गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड आज ना मैं बहुत थका हुआ हूँ और पिछले कल का भी काफ़ी थके हुए बर्फ के बीच, और थोड़े पैर भी दर्द है क्योंकि ठंड से ऐसे जम गए थे हमारे पैर ना ऊपर, काफ़ी ठंड में गए हुए थे, काफ़ी बर्फ थी। तो जाता हूँ, होता हूँ नहा धो के फ्रेश, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई चीज़ के साथ। और कल हम लोगों ने बहुत मज़े किए हुए चांचल एडवेंचर जो कहते हैं स्नो रैली थी, उसमें बहुत ही फन किया गया बहुत सारा। तो मैं रोड में पहुंच चुका हूं और अब देखूंगा गाड़ी में कल का क्या क्या दिक्कत हुई है। ये देखो कल की गाड़ी की हालत ख़राब हुई है। अब ये झंडा झंडा निकालता हूं फिर, और एक पाइप फट चुकी है इधर वाली जो कि यहां लगी होती है, इसमें चेन बजी थी कहीं इधर, वो फट चुकी है इधर वाली एक पाइप, वो बांध के की थी हमने इधर से। दिन में देखूंगा क्या क्या हुआ था, बहुत बिजी था सुबह से लेके, तो अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुआ। भैया आए हो, उनकी गाड़ी ख़राब है, आप मेरे पीछे चेक करो गाइस, बर्फ़ लग गई मेरे गांव में फिर से। आज दिखाता हूँ मैं आपको अभी क्या क्या सीन है। ये देखो गाइस, कभी भी बर्फ़ का मूड हो रहा है, बर्फ़ लग रही है, कभी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। आज तो वैसे मौसम इतना ख़राब दिखाया नहीं था जितना ज़्यादा लग रहा है अभी। ये देखो आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ लग रही है, ये देखो बहुत ही फास्ट। और मैं अभी अभी आया रोड में घूमने, तो हम लोगों ने यहाँ पे पीछे आग जलाई हुई है छोटी जैसी, तो एक घड़ी उसको सेकते हैं, घर पे भी बोर हो रहे थे क्या करना। तो बर्फ़ लगने के बाद अभी मौसम थोड़ा सा रुका है, तो अब मुझे गाड़ी में जो जो चीज़ें चेक करनी थी अभी मैं चेक करने वाला हूँ, क्योंकि उसकी जो ब्रेक की होती ना हैंड ब्रेक, वो भी टाइट हो रही है, और भी बहुत सारी डीजल की पाइप फटी हुई है, पता नहीं क्या क्या चेन लग गई थी कल, हमारी गाड़ी की चेन टूट गई थी तो वो उन पाइप में बजी, तो शायद वो सारी चीज़ें टूट गई। तो अभी मैं चेक करूँगा क्या क्या टूटा हुआ है और थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूँगा, गाड़ी बहुत गंदी हुई है। मैं आपको देखो गाइस हमारी गाड़ी की हालत कितनी ख़राब है, ये देखो पूरी गाड़ी सारा ही ख़राब है। हमने जैक वगैरह ला लिया है यहाँ पे, और अब ये वाला टायर खोलेंगे फिर अंदर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर पाइप है एक तो फटा हुआ है, वो तो हमने टेप से जोड़ा हुआ है, और फिर देखेंगे क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि और हैंड ब्रेक में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं सफाई भी करेंगे थोड़ी बहुत। ये देखो गंदी कितनी हुई है हमारी गाड़ी अंदर, तो करते थोड़ा बहुत काम। गाइस तो हमने टायर खोल दिया है और दो दो जैक चढ़ाए हुए, एक तो टेढ़ा लगा हुआ है, एक सही डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हम लोगों को बीमारी मिल चुकी है। यहाँ टूट गई है ये हैंड ब्रेक वायर, टूट चुकी है ये, अभी पता नहीं स्प्रिंग वगैरह भी छूटा हुआ है, ये देखो अब पता नहीं अब क्या दिक्कत है। और टूटी है ये पाइप, ये चेन से टूटी है सारी, अभी इसका नहीं पता है हम लोगों को क्या दिक्कत है, इस पाइप का पेट्रोल पंप में ही जाके पता चलेगा क्या है। ये वाली ये पता नहीं कौन, ये होती है ओवरफ्लो की होती है शायद, ये टूट गई यहाँ से, और इसमें नहीं, इसके क्लंप भी ढीले जैसे लग रहे हैं, अब पता नहीं फटी होगी कि नहीं फटी होगी, इसका लग जाएगा धो के पता, जब गाड़ी धुल जाएगी ना तो देखेंगे क्या क्या रिपोर्ट है इसकी, फिर पता लग जाएगा। गाइज तो हम लोगों ने बीमारी ढूंढ ली, और बीमारी ढूंढते ढूंढते बॉडी में इसके छेद हो चुका है, ये देखो ऊपर फट चुकी है, ये जैसे ऐसे लगे होते हैं ना सीटों के अंदर से नेट, तो इसमें डायरेक्ट चेन बजती रही और ये फाड़ दिया है पूरा यहाँ से इतना। चलो अब वापस जोड़ते ये सारी चीज़ें, हम लोगों को पता लग गया है क्या क्या दिक्कत थी, अब चेक करवाएंगे मैकेनिक से। हमारा अब बोनट खोलते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से भी एक आवाज़ आ रही थी टन 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 की, तो देखते हैं वो भी क्या है।
क्लियर कर देता है, क्योंकि अगर कभी कल से जाना होगा कहीं भी तो इजी रहता है। गाइस दूसरी दिक्कत हमें मिल चुकी है यहाँ पे, ये चेक करवा, ये बूट निकल चुका है इसका, ये पूरा लगा होता है क्लंप से, ये बर्फ में अड़ गया होगा कहीं, और इधर कुछ तारे भी टूटी हुई है, पता नहीं कौन सी लाइट की वायरिंग है, अब ये तो पता नहीं। देखो ये वाला बूट जो है हमारा बिल्कुल लगा हुआ है दोनों साइड, जैसे होता है ये लगा हुआ, और इस साइड का उतर चुका है ये यहाँ से, इसमें क्लंप लगता होगा शायद, क्योंकि आगे वाली साइड क्लंप लगा हुआ है और ऑयल भी पड़ता होगा, वो दिक्कत लग रही थी मुझे, आवाज़ तो आ रही थी। इंजन ऑयल भी चेक करेंगे ज़रा कितना काला हुआ है, निकाल निकाल, ये इंजन ऑयल यहाँ तक होना चाहिए इंजन ऑयल, और ये है यहाँ तक, और इसका देखते हैं, हाँ ये ख़राब हो चुका है, अब इसकी सर्विस भी आ गई करवाने के लिए, देखो पूरा काला हो चुका है ये, तो सारा काम लगभग लगभग करवाने को है, और आप देख सकते हैं धूल कितनी सारी है इसमें बैठी हुई, पूरा ये करवाना पड़ेगा इसकी सर्विस जल्दी से जल्दी। गाड़ी का काम हो गया है कंप्लीट, जितना काम था, ये देखो हाथ की हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा आज तो। तो अब जाते हैं घूमने, गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट, और हमें कंफर्म भी हो गया क्या क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते गाड़ी को लेके। तो अब जाएंगे घूमने थोड़ी देर में, तब देखते हैं आग उग जलाएंगे क्या करते हैं। गाइस तो मैं आ गया हूँ घूमने, देखता हूँ करता हूँ फोन फोन, इधर ही कहीं आग जलाई होगी, जंगल में पहुँच गया हूँ तो करता हूँ फोन, कहाँ आग जलाई है, फिर जाता हूँ देखते क्या क्या सीन है। आज ना गाइस बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, ये चेक करो जंगल में कैसी हालत हुई है, ये देखो जंगल पूरा अंधेरा हो गया है इतनी जल्दी। गाइस तो यहाँ जली है अपनी आग, और मैं आ गया हूँ आग सेकने, अब सेकते थोड़ी देर आग फिर निकलेंगे घर को, क्योंकि मौसम बारिश वाला हो चुका है, पता नहीं बारिश लगेगी या बर्फ़ लगेगी ये तो नहीं है पता मुझे। ये देखो मंदिर के साथ ही हम लोग बैठे हुए, तो मैं आया था घूमने और यहाँ हो गया खतरनाक वाला सीन, और मैं पहुँचा मंदिर के साथ। टाइमिंग में पहली बार पहुंचा हूँ यहाँ पे कि बर्फ़ लग रही हो और अंधेरा भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे कमी आते तो ऐसा नज़ारा बहुत कम ही मिलता है देखने को, और आज हमें भी मिल गया और रिकॉर्ड भी हो गया। गाइस तो मुझे जाना पड़ेगा अभी, गांव के ऊपर पूजन है वहाँ पे, तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।